नो वरीज। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर के दीपिका पादुकोण देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड से भरी हुई। वहीं फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर के कही बहुत ही बड़ी बात। हाँ, ये फिल्म पहले दिन पे ही तोड़ेगी सभी फिल्मों का रिकॉर्ड। और क्या बोला दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म को लेकर के, आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट की गई है, तभी से जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड से भरे हुए थे इस फिल्म को देखने के लिए। और अब ये फिल्म जो है वो 12 नवंबर को आना फाइनल कर दी गई है। और इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है उसको भी स्टार्ट कर दिया गया है, जहां पे हमको एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है कि इस फिल्म की जो है वो अभी से ही धमाकेदार एंट्री हो रही है सिनेमा घरों के अंदर। वहीं दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये सलमान खान कैटरीना कैफ की बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है 2023 में, और गदर, जवान और पठान जैसी सभी फिल्मों का रिकॉर्ड ये तोड़ देगी एक ही दिन के अंदर। वहीं दोस्तों और आपको बता दूं तो लोगों का ये भी कहना है कि ये फिल्म जो है पहले दिन पे ही 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके सभी फिल्मों का रिकॉर्ड को धराशायी कर देगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये फिल्म आती है अब क्या कलेक्शन करती है, और अभी से ही जो एडवांस बुकिंग जो है इसकी तो बेहतरीन हमको दिखाई दे रही है। ऐसे दोस्तों दीपिका पादुकोण का काफी जबरदस्त रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, जहां पे उन्होंने बताया कि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है कुछ राज्यों के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, जहां देख करके फिल्म कलेक्शन पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म पहले दिन पे भी काफी जबरदस्त कमाई करती हुई हमको दिखाई देगी, क्योंकि पब्लिक का जो है काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को। वहीं दोस्तों आपको बता दूं तो मेकर्स ने हाल ही में टाइगर 3 का एक नया प्रोमो रिलीज किया था। इसका सीधा सीधा सबूत है इस वीडियो के ऊपर जो लोगों के व्यूज और लाइक और कमेंट आ रहे हैं। वहीं दोस्तों जिस तरीके से इमरान हाशमी को लोग जो देख करके अंदाजा लगा रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर जो सलमान खान को कड़ी टक्कर देने वाले हैं इमरान हाशमी, बाकी दोस्तों अब देखने वाली बात यही होगी कि ये जो फिल्म आती है तो क्या कलेक्शन करके दिखाती है।